नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको मौसमी या संतरा और अनार, इनका जूस निकालने की एक नई मशीन के बारे में बताऊंगी। उसमें ना हमें इन्हें छीलना है, ना इनके बीज निकालने हैं, बस बीज से दो टुकड़े करने हैं और बहुत ईजीली ये फ्रेश जूस घर में निकल जाएगा। तो आइए मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। तो इसके लिए देखिए, आपको एक ये छोटी सी मशीन घर में लानी है। ये बर्तन की दुकान या जो प्लास्टिक का आइटम होते हैं उन दुकानों पे इजीली मिल जाएगी। तो देखिए, इस तरह से इसे गोल घुमा के प्रेस करना है और ये जो इसमें जहाँ पर हम मौसमी रखेंगे, जहाँ से मेन जूस निकलेगा, ये उसमें यूज़ होता है। और इसमें देखिए जंग भी नहीं आता है, ये लोहे का नहीं बना हुआ है और बहुत ईजीली साफ़ हो जाता है। तो आइए आपको मैं बताती हूँ इसमें किस तरह से जूस निकालना है। ये ज़्यादा जगह भी नहीं घेरता और इसके साथ देखिए जूस के लिए ग्लास भी आता है। तो आप मौसमी ले, छोटी या बड़ी, किसी भी साइज़ के लिए सबका जूस इसमें आराम से निकल जाएगा। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से मौसमी छोटी है बड़ी है उनको काट लिया है, ना छीलना पड़ा है और ना देखिए मैंने इनके बीज निकाले हैं। बीज भी इसी में है, छिलके भी हैं, सिर्फ बीज से दो टुकड़े करने हैं। अनार को भी इसी तरह से मैंने बीच में से दो टुकड़े कर लिया है, तो कोई मेहनत का काम नहीं है। तो आइए जूस बनाते हैं इससे। आप संतरा का जूस भी इस तरह से बना सकती हैं इसमें। तो ये देखिए, मौसमी को हमें इसमें इस तरह से उल्टा रखना है और बस इसे घुमा के प्रेस करना है। और देखिए जूस आ गया है, और इसे वापस उल्टा घुमाइए तो ये ऊपर हो जाएगा और बहुत इजीली देखिए सारा जूस निकल गया है। तो इस तरह से आप हरी मौसमी हो, पीली है, छोटी है, बड़ी है, किसी भी साइज़ की आप डालिए, उसमें से जूस बहुत ईजीली निकल जाता है। ये देखिए, बीज भी उसमें नहीं जाते हैं, इसमें चलनी है, ऊपर चलनी जैसा उसका शेप है, छेद है, तो बीज वगैरह सब रुक जाते हैं। तो इस तरह नए नए मशीन से आप घर में देखिए इस काम को आसान बना सकते हैं। अनार को भी इसी तरह रखिए, बच्चे भी इससे जूस निकाल सकते हैं, ज़्यादा मेहनत का कोई काम नहीं है। ये देखिए अनार का कितना सारा ईजिली जूस निकल आया है। अनार को छीलना और उसका जूस निकालना थोड़ा बड़ा काम हो जाता है। तो देखिए मिनटों में ही ये गिलास भर गया है। और इसका ये देखिए ऊपर जो जिस पर हम मौसमी रख रहे थे उसमें देखिए बीज वगैरह सब इसी में रह जाता है, तो आपको छानने की ज़रूरत नहीं है। और जितना फाइबर हमें चाहिए वो रेशा सब जूस में आ जाता है, तो उसे आप छाने नहीं, ऐसे ही पीजिए। तो बहुत सारे फाइबर के साथ देखिए फ्रेश जूस तैयार है, ये बहुत इजीली बन गया है। तो ये घर में ही ये जूस बनाइए, आप मार्केट से मत लीजिए, फ्रेश जूस पीजिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।